मारुति सुजुकी अल्टो। एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है। इसके पीछे का यह कारण है कि इस गाड़ी के अंदर आपको काफी अच्छी माइलेज, रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विसेज मिल जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं डैटसन रेडिगो फेसलिफ्ट 2020 के बीच। तो चलिए दोस्तों आज के इस कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स की। तो रेडिगो में आपको दो तरह के इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है 0.8 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 54 पीएस की पावर जनरेट करता है और 72 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको 20.3 केएमपीआर का माइलेज क्लेम किया जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ये इंजन मिल जाता है। रेडिगो में आपको एक और इंजन ऑप्शन मिल जाता है जो कि है 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 68 bhp के पावर जनरेट करता है और 91 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 21.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको 22 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। ऑल्टो में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिल जाता है जो कि है 0.8 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 47.3 पीएस की पावर जनरेट करता है और 69 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो इस इंजन के साथ आपको 22.05 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये इंजन आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। ऑल्टो में आपको यही इंजन के साथ सीएनजी फिटेड आता है जो कि 40.3 bhp के पावर जनरेट करता है और 60 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो सीएनजी फिटेड के साथ आपको जो है 31.32 किलोमीटर पर केजी का आपको माइलेज मिल जाता है। ट्रांसमिशन आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सिंगल ड्राइवर एयरबैग, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं अक्रॉस दी वेरिएंट। अगर आप इन दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट या फिर ऑप्शनल वेरिएंट्स को खरीदते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशर्स विद लोड लिमिटर्स जैसे फीचर्स आपको रेडिगो में मिलते हैं। जबकि अगर ऑल्टो के आप ऑप्शनल सेफ्टी वाली वेरिएंट्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, आपको सीट बेल्ट प्रीटेंशर्स विद लोड लिमिटर्स जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलते। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर LED फॉग लैंप्स, अपर ग्लो बॉक्स, डुअल टोन व्हील कवर्स, 3-point रियर सीट बेल्ट्स विद प्रीटेंशर्स एंड लोड लिमिटर्स, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स, 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, इलेक्ट्रॉनिक पावर शेयरिंग जैसे फीचर्स आपको रेडिगो में मिल जाते हैं जबकि ऑल्टो में नहीं है। जबकि कोलैप्सेबल स्टीयरिंग कॉलम जैसे एक ही एक फीचर आपको जो है ऑल्टो में एक्स्ट्रा मिल जाता है रेडिगो के कंपैरिजन में। जो सभी फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में कॉमन देखने को मिल जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ऑल्टो के डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऑल्टो की लेंथ है 3445 mm, विड्थ है 1490 mm, हाइट है 1475 mm, व्हील बेस है 2360 mm। रेडिगो की भी आप डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। रेडिगो की लेंथ है 3435 mm, विड्थ है 1574 mm, हाइट है 1546 mm, व्हील बेस है 2348 mm। तो आप स्क्रीन देखकर समझ ही सकते हैं कि ऑल्टो का जो लेंथ हो या फिर व्हील बेस दोनों ही रेडिगो के कंपैरिजन में ज्यादा है, जबकि विड्थ और हाइट जो है रेडिगो में आपको अल्टो के कंपैरिजन में ज्यादा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैबिन स्पेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको कैबिन स्पेस काफी ज्यादा अलग मिलती है। अल्टो के डायमेंशंस हालांकि ज्यादा है रेडिगो के कंपैरिजन में, लेकिन कैबिन स्पेस के मामले में रेडिगो अल्टो के कंपैरिजन में क्लियर विनर बन जाती है। क्योंकि अल्टो के कंपैरिजन में रेडिगो के अंदर जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी की गई है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी की। तो रेडिगो में आपको 2 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाएगी। चाहे आप इस वारंटी को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 5 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की। ऑल्टो में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वारंटी ऑफर मिलती है जो कि है 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक की आपको वारंटी मिल जाएगी। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडिगो में आपको 4.7 मीटर की टर्निंग रेडियस मिलती है, ऑल्टो में आपको 4.6 मीटर की आपको टर्निंग रेडियस मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो ऑल्टो में आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, रेडिगो में आपको 187 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो रेडिगो में आपको 222 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है, ऑल्टो में आपको 177 लीटर की बूट स्पेस मिलती है।
टायर साइज की अगर हम बात करें तो रेडिको में आपको 14 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि अल्टो में आपको सिर्फ और सिर्फ 12 इंच के ही टायर्स मिलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस की। तो रेडिगो के प्राइसेस चालू होते हैं 2.83 लाख रुपए से लेकर 4.77 लाख रुपए का मिल जाता है एक्सो। अल्टो के प्राइसेस चालू होते हैं 3 लाख रुपए से लेकर 5.18 लाख रुपए का आपको मिल जाता है एक्सो। तो दोस्तों यहाँ इस कंपैरिजन वीडियो को आप देखकर समझ ही सकते हैं कि फीचर्स के मामले में हो या फिर सेफ्टी के मामले में यहाँ पे डैटसन रेडिगो काफी ज्यादा बेहतर है। और तो और इस गाड़ी का जो केबिन स्पेस है वो भी अल्टो के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। और तो और ग्राउंड क्लियरेंस हो, टायर साइज हो या फिर इस गाड़ी में मिलने वाले बूट स्पेस, सब कुछ जो है अल्टो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी है। और तो और अल्टो के कंपैरिजन में रेडिगो का जो लुक्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी माइलेज, लुक्स, स्पेस एंड कंफर्ट और तो और फीचर्स की है तो यहाँ पे जो है रेडिगो एकदम बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपकी प्रायोरिटी में रीसेल वैल्यू और तो और आफ्टर सेल सर्विसेज आती है तो यहाँ पे जो है ऑल्टो एकदम बेहतरीन ऑप्शन है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप इन दोनों गाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर जरूर बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।